अब स्टार्ट करते हैं क्लास को और आज हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। अभी तक हम लोग जान चुके हैं मोनेरा के बारे सॉरी मोनेरा किंगडम के अंदर आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बारे में। देखिए नॉर्मली बैक्टीरिया वो ही दो तरह के होते हैं, ये तो बस स्पेशल केसेस हैं। साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज आएगा, फिर माइकोप्लाज्मा आएगा, ये तो बस स्पेशल केसेस है बैक्टीरिया के। ठीक है, तो देखो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, नाम से साइनोबैक्टीरिया, ठीक है याद रखना। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अच्छा एल्गी जो है ये प्लांट किंगडम के अंडर में आता है। अरे एल्गी जो है ये प्लांट किंगडम के अंदर में आता है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया होगा प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है, आपका एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, टाइडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म आता है। तो सीधी सी बात, इससे कैरेक्टर जो है वो प्लांट से मिलेंगे। इस वाले बैक्टीरिया के जो कैरेक्टर्स हैं वो किससे मैच करेंगे, प्लांट से मैच करेंगे, प्लांट में भी एल्गी से मैच करेंगे, ठीक है। अच्छा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं नहीं करते हैं, बताइए। प्लांट्स जाने ही जाते हैं फोटोसिंथेसिस करने की वजह से, तो आप ये बात अपने माइंड में तुरंत ले आइएगा कि साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। और ये चीज हम आगे देखेंगे, बस मैंने पहले से ही रिवील कर दिया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया का जो हैबिटेट है वो है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा मुझे? नहीं, कैसे म्यूट नहीं कर पा रहे, खुद को एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं कर सकते हो, बताइए बच्चों क्या होता है मीनिंग कॉस्मोपॉलिटन का। चलो कोई बात नहीं, अब अगर भूल गए हो या फिर कोई टेक्निकल इश्यू है तो मैं बता देता हूँ। कॉस्मोपॉलिटन मैंने कल बताया था, जो पूरे संसार में मिलेंगे, मतलब संसार में मिलेंगे ऐसा कहना भी पूरा सही नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन हम उनको बोलेंगे जो हर जगह पर मिल सकते हैं, किसी भी जगह पर पाए जा सकते हैं, तो सब कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, किसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो आपको पता है ये यूकैरियोटिक है, सॉरी प्रोकैरियोटिक है, याद रखना ये है प्रोकैरियोटिक। और मोयरा के भी सभी जितने भी जीव आएंगे, अभी हम किंगडम मोयरा ही पढ़ रहे हैं, और मोयरा में जितने भी आएंगे वो सभी क्या रहेंगे, प्रोकैरियोटिक रहेंगे। इसके बाद ये है यूनिसेल्यूलर, ऑब्वियस, ठीक है। अब ये दो फॉर्म मिल सकता है, फिलामेंटस और कॉलोनियल। फिलामेंटस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिलामेंटस को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फिलामेंटस कैसे होंगे, लाइक ये यूनिसेलुलर तो होंगे ही, जैसे कि ये एक सेल है। अब ये फिलामेंट फॉर्म करेंगे जोड़ जोड़ कर, इस तरह से ये फिलामेंट्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गई फिलामेंटस, इस फॉर्म को हम बोलेंगे फिलामेंटस, ठीक है। और कॉलोनियल फॉर्म इस तरह का होता है, देखिए कॉलोनियल कैसा होगा, कॉलोनियल ऐसा होगा, ये कहीं मतलब रैंडम अरेंजमेंट मिल जाएगा हमें इनका, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे कॉलोनियल, ठीक है। और ये है कॉलोनियल, तो है तो ये एक सेल ही, मतलब यूनिसेलर ही है, और दो फॉर्म में ये मिल सकते हैं, या तो फिलामेंटस फॉर्म में मिलेंगे या फिर कॉलोनियल फॉर्म में मिलेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद इसकी सेल वॉल में म्यूरिन होता है। म्यूरिन के लिए मैंने एक टर्म बताई थी, दोबारा से बता रहा हूँ, पेप्टिडोग्लाइकन। और ये कहाँ मिलता है, सेल वॉल में मिलता है, ठीक है बच्चों, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप 3 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है चलो आगे बात करते हैं इसके बाद। हाँ जी, तो लोकोमोशन कैसे करता है, लोकोमोशन भी ये भी दो तरह से करेगा, फ्लैजेलर लोकोमोशन या फिर ग्लाइडिंग मूवमेंट ये शो करेगा। इसके बाद न्यूट्रिशन, यहाँ बहुत अच्छा केस अब देखने को मिलेगा आपको। देखो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, क्योंकि इसके पास ना पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए है, फाइकोसाइनिन है, फाइकोएरिथ्रिन है,
देखो पिगमेंट्स क्या काम करते हैं, पिगमेंट्स क्या काम करते हैं, पिगमेंट्स जैसे कि ये कोई पिगमेंट वन है, ये पिगमेंट टू है, तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। पिगमेंट वन किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ, मान चलो एक्स नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया, एक्स नैनोमीटर, नैनोमीटर, अच्छा वेवलेंथ की यूनिट है नैनोमीटर, ठीक है ना, मतलब मीटर ही होती है उसकी यूनिट भी, ठीक है। और इसने, पिगमेंट टू ने किसी वाई नैनोमीटर की लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो इससे तुम्हें पहले तो ये पता चल गया पिगमेंट क्या काम करते हैं, पिगमेंट काम करते हैं कलर एब्जॉर्प्शन का, ठीक है ना, पिगमेंट क्या करते हैं कलर एब्जॉर्ब करते हैं, और जिस कलर को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे वैसा ही पर्टिकुलर कलर ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिस वेवलेंथ की लाइट को ये क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे, उसी के हिसाब से ये कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो पिगमेंट्स ही वो चीज होती है जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन कैसे कैसे एब्जॉर्ब करता है, कौन कौन से कलर्स को, वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखिए, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हाँ जी यहाँ देखिए आप, पर एक बार कंफर्म कर देना ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों ये जो ड्राइंग दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। यस सर अच्छा, यहाँ पे बस मैं आपको ये बता रहा हूँ फाइको एरिथ्रिन किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बताना कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये बात आपको याद रखनी है। 570 करता है ना, 570 को एब्जॉर्ब करता है ये वाला जो पिगमेंट है, और कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है ये, रेड, रेड ठीक है। ऐसी फाइकोसाइनिन किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, 630, और कलर कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लूइश बोल सकते हो आप या फिर स्काई कलर बोल सकते हो, ठीक है, मतलब ब्लूइश स्काई इस कलर बोल सकते हो, ठीक है। और भी पिगमेंट हैं लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल देखो किस किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, 670 को कर सकता है, 678, 680 को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रीन। अब समझ में आया क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ग्रीन कलर क्यों बनता यस है, ठीक है ना, बस ये मुझे समझाना था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने क्लोरोफिल ए के बारे में बताया है, तो आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया है आपको पिगमेंट अलग अलग क्या करते हैं, वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना, किस पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मैं बोल तो रहा था लाइट ही लेकिन लिख दिया कलर,
तो ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, वो भी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और एक पर्टिकुलर कलर ये प्रोड्यूस कर देंगे। फोटोसिंथेसिस में भी ऐसा ही होता है, आपने पढ़ा हुआ, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस हो पाती है। वो लाइट, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन अगर आप दोगे तो इस तरह से दे देना कि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, मतलब इस एनर्जी को ट्रैप करेंगे ये पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल ए। तो आपको बस यही बताना था मुझे कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से पिगमेंट मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल ए, C5-cyanin, C5-erythrin, ठीक है ना। तो ये ब्लू कलर तो इस वजह से आएगा, फाइकोसाइन की वजह से ब्लू इस कलर आएगा, मैंने आपको बताया ब्लू, ठीक है ना, और क्लोरोफिल ए की वजह से इसके अंदर आएगा ग्रीन कलर। और मैंने बताया था साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू क्या ग्रीन बोलते हैं, एल्गी। हाँ अब समझ में आया ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं, क्लियर है। इसका आप यस स्क्रीन सर। शॉट ले लीजिए और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो आगे बात करते हैं, अब न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया है, इसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेशन की। ये ऐसे बैक्टीरिया है जो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक, सॉरी, कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है ना। प्लांट से इनका कौन सा कैरेक्टर मैच किया, इनका न्यूट्रिशन का मोड जो है वो प्लांट से मैच कर गया, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये करते हैं फिजन के द्वारा, ठीक है ना। फिजन मैंने आपको बता दिया था कल ही कि वेजिटेटिव क्या बोल रहा हूँ मैं, एसेक्सुअल क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एसेक्सुअल में बस कुछ स्पेशल स्पोर्स बन रहे हैं, वो स्पोर्स बॉडी से अलग होंगे और जहां भी जाके वो जर्मिनेट करेंगे वहां से न्यू बैक्टीरिया पैदा कर देंगे, ठीक है। होमोगोनिया, हॉर्मोगोनिया, हॉर्मोगोनिया में क्या होता है, देखो एक्चुअल में कुछ नहीं है इन प्रोसेस में, बॉडी के अंदर में ही, इनकी बॉडी में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो यही जैसे ये मैंने नॉस्टॉक का एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, तो हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे फिलामेंटस फॉर्म है, फिलामेंट्स के अंदर हॉर्मोनोगोनिया देखने को मिलेगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हॉर्मोगोनिया क्या है, आपने पहले कभी इससे पढ़ा नहीं होगा ये सब, तो इसकी किसी सेल के अंदर अंदर में बहुत सारे आउटग्रोथ्स पैदा हो जाएंगे, आउटग्रोथ्स पैदा हो जाएंगे इसकी बॉडी में ही अंदर में, और फिर जब ये सेल फटेगी यहाँ से तो न्यू न्यू बैक्टीरिया एक साथ निकल के आएंगे बाहर, ठीक है। ऐसा सिस्टम इनके अंदर देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल में जो मोड्स हैं वो एकाइनाइट्स हैं, एक्सोस्पोर्स हैं, एंडोस्पोर्स हैं, नैनोस्पोर्स हैं, ये बस इसकी बॉडी पे अलग अलग तरह के स्पोर्स बनेंगे और वो फटेंगे और निकलेंगे और न्यू न्यू बैक्टीरिया फॉर्म कर देंगे। आपको इनके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखें ना आप लोग, ठीक है ना। अब देखो सेक्सुअल जो मोड है इनके अंदर, अगेन मैं सेक्सुअल मोड को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही नाम दूंगा, ठीक है ना। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में इनके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स में रिपोर्ट किया गया, जैसे कि माइक्रोसिस्टिस में और एनाबीना में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखा गया है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम इनके केस में सेक्सुअल प्रोडक्शन को ही बोल रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है आपका डिस्टिंक्ट फीचर, कि इनका सबसे अलग फीचर क्या है। तो देखो इनकी बॉडी में एक हेट्रोसिस्ट होता है जो कि यूनिकली सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। अब हेट्रोसिस्ट क्या होता है, देखिए नॉर्मली फिलामेंटस फॉर्म में आप देखेंगे कि सेल के बाद सेल है, लेकिन एक सेल इनकी सबसे अलग होती है, ठीक है, जिसको हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये हेट्रोसिस्ट सिर्फ और सिर्फ, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है ना, और इसके अंदर ही बहुत सारी सेल्स का गुच्छा बन जाता है। सिस्ट मतलब होता है सेल का गुच्छा, ग्रुप, ठीक है ना। तो इस हेट्रोसिस्ट में ही सेल का ग्रुप बन जाएगा। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि यूनिकली साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, हेट्रोसिस्ट जो है। अब इनका कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस भी, जैसे कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करके दे देते हैं, फूड के सोर्स भी होते हैं, और इनका यूज हम एंटीबायोटिक फॉर्म करने में भी करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है
लिंग बिया, ये साइनोबैक्टीरिया एक, इसका हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक बनाने में, ये इंपॉर्टेंट है आप इसको याद रखना, ठीक है ना। पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी होते हैं ये, और सीवेज डिस्पोजल में इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये एल्गल ब्लूम्स भी फॉर्म करते हैं। एल्गल ब्लूम्स क्या है, देखिए एक्चुअली सरफेस के ऊपर ये बैक्टीरिया अरेंज हो जाएंगे। अब इनको रखा तो एल्गी वाली कैटेगरी में बोल देते हैं कि ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना। एल्गी तो एल्गी किसी वाटर सरफेस पर जमा हो जाती है और इसको फिर हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है ना, इसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब यहां तक आपको फिलामेंटस फॉर्म और जो मैंने ये फॉर्म बताई आपको कॉलोनियन फॉर्म, ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। ओके हाँ, मैं इसी चीज को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज था। देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये रेस्पिरेशन है ना, ये एरोबिक है, एनएरोबिक नहीं आएगा, ये रेस्पिरेशन एरोबिक आएगा, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, है कि यही, तो इसका जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर एक्टिनोमाइसिस का नहीं, साइनोबैक्टीरिया का जो मैं बता रहा हूँ ये एरोबिक है, ठीक है बच्चों, ये एरोबिक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है बताइए। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आपका रेस्पिरेशन शो करेंगे उनको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। और उसका भी एरोबिक है, एक्टिनोमाइसिटीज का भी एरोबिक है, और माइकोप्लाज्मा जो है हमारा, हाँ सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को आगे। हाँ जी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, पढ़ ही लिया, ये खत्म हो गया इसके बाद, ठीक है, ये आपको याद रखना कि नाइट्रोजन फिक्सर है और फूड के सोर्स भी हैं, एंटीबायोटिक फॉर्म किया जा सकता है, पॉल्यूशन के इंडिकेटर भी होते हैं, ठीक है ना। सीवेज डिस्पोजल में भी हेल्प करते हैं। सीवेज डिस्पोजल में कैसे हेल्प करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में। एक्चुअली पहले सीवेज को ट्रीट किया जाता है, जो भी मलबा वगैरह होता है उसमें पहले एनएरोबिक बैक्टीरिया डाले जाएंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया उस सबको डाइजेस्ट कर देंगे। फिर हमें ये एनएरोबिक बैक्टीरिया भी हटाने हैं उस पानी से, तो हम फिर एरोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर डालेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया ऊपर में फॉर्म कर देंगे एल्गल ब्लूम, और एल्गल ब्लूम की वजह से नीचे ये एनएरोबिक बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से एनएरोबिक बैक्टीरिया मरते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम है, वो आप अभी नहीं समझ पाओगे तो, और टाइम भी नहीं है उसको समझाने का एक्चुअली, ठीक है। तो ये था साइनोबैक्टीरिया जो कि सर। पढ़ा था। हाँ जी बताइए। म्यूक्लियोजेनस शीट क्या होता है? ये एनसीईआरटी में दे रखा है वर्ड। हाँ देखो, बहुत ही इजी वर्ड है, म्यूसीलेजिनस शीत। देखो शीत मतलब होता है कवरिंग, ठीक है ना, और वो शीत जो कवरिंग है वो बनी किससे हुई है, म्यूसीलेज से बनी हुई है। अब म्यूसीलेज एक कंपाउंड है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बनी हुई है, तो म्यूसीलेज की एक कवरिंग है जिसको म्यूसीलेज शीत बोलेंगे, बस इतना आसान है। और सर जिलेटिनस मतलब उसमें जिलेटिनस हाँ, उसमें वही जेलेटिन होगा, कंपाउंड है। उसमें जेलेटिन होगा, सही आइडिया लगाया ओके आपने। इसके बाद बात करते हैं एक्टिनोमाइसिटीज की। एक्टिनोमाइसिटीज का हैबिटेट क्या होता है, ज्यादातर सॉइल में मिलेंगे आपको, याद रखना। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी कैसा, प्रोकैरियोटिक है, और इनके अंदर माइसीलिया देखने को मिलेगा। देखो माइसीलिया एक ऐसा कैरेक्टर है जो फंजाई से मैच करता है, किससे मैच करता है, फंजाई से, ठीक है ना। जबकि इससे पहले जो हमने बैक्टीरिया पढ़ा था उसका कैरेक्टर किससे मैच कर रहा था, उसके कैरेक्टर्स किससे मैच कर रहे थे बताइए, प्लांट से कर रहे थे ना अभी, और इसे किससे कर रहे हैं, फंजाई से, क्योंकि जो माइसीलिया है, माइसीलिया जो चीजें होती हैं वो फंजाई के अंदर देखने को मिलती है, मतलब फंजाई इस तरह से ग्रो करती है, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ग्रो करती हैं। तो ये जो फॉर्म है इन सबको हम माइसीलिया बोलते हैं,
ना, ये माइसीलिया है और ये एसेप्टेट है। एसेप्टेट मतलब देखो, ये इनके अंदर जो सेल्स है उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये एसेप्टेट है। फिर सेप्टेट माइसीलिया कैसा होता, बना के दिखा रहा हूँ सेप्टेट कैसा होगा। सेप्टेट मतलब इनकी बॉडी में पार्टीशन होंगे। तो ये दो तरह के माइसीलिया है, एक जिसमें सेप्टेशन देखने को मिल रहा है, ये है सेप्टेट माइसीलिया और ये है एसेप्टेट। तो मतलब इनके बीच में कोई भी सेप्टम नहीं है, तो इनके अंदर क्या नहीं है, सेप्टम नहीं है। सेप्टम मतलब जो डिवीजन शो कर रहा हो, तो इनके अंदर सेप्टम नहीं है, इसलिए ये क्या है, एसेप्टेट है, ठीक है। और ये क्या है, सेप्टेट। अच्छा, ए मतलब होता है विदाउट सेप्टम और ये सेप्टेट मतलब इनके अंदर सेप्टा देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये सेप्टा हो गया, ये सेप्टा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इनको हम कोइनोसाइटिक बोलते हैं। आप इसको एसेप्टेट बोल दो और ये, और इन इसको हम बोलेंगे कोइनोसाइट, ठीक है ना, इसी स्ट्रक्चर को हम कोइनोसाइट बोल देंगे। और इनके ब्रांच्ड फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट आप देख रहे हो, देखो ब्रांचिंग इनके अंदर देखने को मिल रही है, ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, इसलिए ब्रांच्ड है, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर जो फंजाई से मैच करते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। लोकोमोशन, ये नॉन मोटाइल होते हैं, फंजाई भी नॉन मोटाइल ही होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल मतलब जो मूव ना कर सके। न्यूट्रिशन का कैसा होता है, सेप्रोट्रॉफिक होता है, मतलब ये डेड एंड डीके मटेरियल पे ग्रो करेंगे और उसको पचा देंगे। कुछ इसमें से पैथोजेनिक भी होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। अगर आपको देखना है कि बीमारियां कैसे कैसे फैलाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बीमारियां कैसे कैसे फैलाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम दिख रहा होगा सभी को, एक्टिनोमाइसिटीज की, देखो अलग अलग जो दिख रहा है बच्चों सभी को, ये दिख रहा है, नो ड्रॉइंग दिख सर, रही, पिक्चर नहीं दिख रही क्या? अच्छा ठीक है, अब बताना, अब दिख रहा है, हाँ सर, अब दिख रहा है। हाँ। तो देखो ये जो एक्टिनोमाइसिटीज की अलग अलग स्पीसीज है, एक्टिनोमाइसिटीज की देखो कितनी कितनी स्पीसीज है, ये सब बीमारियां फैला रही हैं, आपको दिख रहा होगा, फैला रही ना बीमारियां, जेनाइटाइटिस में कौन सी बीमारियां फैला रही है, ब्लड के अंदर कौन बीमारियां फैलाता है, तो आप देख सकते हो अलग अलग कि ये स्पीसीज है यस सर, एक्टिनोमाइसिटीज की जो अलग अलग जगह पे बीमारियां फैलाती है, ठीक है। पूछेगा कोई नहीं आपसे इनके बारे में, लेकिन बस देख लीजिए इनको, ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम वापस अपने स्लाइड्स पर जाते हैं। स्लाइड्स दिख रही है सभी को, प्रेजेंटेशन दिख रही है, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है, कुछ पैथोजेनिक होते हैं, दिख रहा है सभी को। रेस्पिरेशन कैसा है इनका, रेस्पिरेशन है इनका यस एरोबिक, सर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो कर रहे हैं, तो कॉनिडिया से, स्पोरेंजियोस्पोर से, ओइडिया से, आर्थ्रोस्पोर से, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन आप लोग जानते हो, और बाकी ऊपर जितने मैंने बताया ये सब स्पोर्ट्स के ही टाइप है। कॉनिडिया भी आपने पढ़ा होगा पेनिसिलियम के अंदर 10th क्लास में। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ ये तीन तरह के स्पोर्ट्स, ये भी सेम इसी की तरह ही है, ठीक है ना, बस बॉडी से अलग हो जाएंगे स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स से ही फिर इनके माइसीलिया पैदा होते हैं इस तरह से, और फिर ये माइसीलिया ग्रो होते जाते हैं, ठीक है, ब्रांच फॉर्म में कैसे भी ये ग्रो होते हुए चलते हैं और निकलते हैं एक स्पोर्ट से ही, ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। तो ये इस तरह से ही ग्रो होते हैं, बहुत ही अजीब है। इसके बाद बात करते हैं, प्रोपोर्शन के बाद बात करते हैं इनका डिस्टिंग फीचर, तो इनको हम रे फंजाई बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रे फंजाई क्या है, तो आपको बताना है एक तरह का बैक्टीरिया है, ये फंजाई नहीं है, रे फंजाई एक फंजाई नहीं है, समझ गए? क्योंकि इनकी जो, अब इनको रे फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी क्या मैंने आपको बता दिया था, वो किससे मैच करती है, फंजाई से मैच करती है, ठीक है ना। और ये सोर्स भी है एंटीबायोटिक बनाने में। अब एंटीबायोटिक देखो बैक्टीरिया के खिलाफ बनाए जाते हैं, मतलब अगेंस्ट बैक्टीरिया, किसको किल करते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो कुछ एंटीबायोटिक है जो हम बैक्टीरिया की मदद से ही बनाते हैं, मतलब बैक्टीरिया की मदद से बैक्टीरिया को मारने की चीज बनाते हैं। नॉर्मली जो एंटीबायोटिक्स बनते हैं, नॉर्मली एंटीबायोटिक्स जो बनाए जाएंगे वो फंजाई से बनाए जाते हैं, किससे बनते हैं, फंजाई से, ठीक है ना। जैसे सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था पेनिसिलिन, पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था, किस किससे बना था, ये पेनिसिलियम नोटेटम से बना था, पेनिसिलियम नोटेटम,
ना, पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक फंजाई है, और फंजाई से बना था ये एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक क्या काम करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, इसको क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करता है। लेकिन यहाँ पे जो हम एंटीबायोटिक बना रहे हैं बैक्टीरिया की मदद से बना रहे हैं, एक्टिनोमाइसिटीज एक बैक्टीरिया ही तो है, एक तरह का बैक्टीरिया ही है, मोयरा में आ रहा है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी मदद से हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, एक और साइड में बताया था कि इसकी मदद से भी हम ये बनाते हैं, यू बैक्टीरिया में तो नहीं बनाते हैं, साइनो बैक्टीरिया में बनाते हैं ना एंटीबायोटिक, मैंने दिखाया था यहाँ पे एग्जाम्पल लिंगबिया का, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज में इससे भी हम क्या बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, ठीक है ना, रे फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि इसको, और फंजाई से ही एंटीबायोटिक्स बनते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हम बना सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। इसके बाद माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटा जीव है इस अर्थ के ऊपर, ठीक है, जो कि इन इन जगह पर मिल सकता है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका, लियोमॉर्फिक है, लियोमॉर्फिक जिसकी शेप बदलती रहती है क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है इसकी, और बैक्टीरिया के जो फिल्टर है, मतलब ऐसे फिल्टर जिनमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते, ये उसमें से भी पार निकल जाएगा क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है, ठीक है, तो बैक्टीरिया फिल्टर में से भी ये पार हो जाएगा। और लोकोमोशन कैसा है, नॉन मोटाइल है, और न्यूट्रिशन कैसा है, सेप्रोफाइटिक है और पैरासाइटिक है, और रेस्पिरेशन कैसा है, एरोब है और फैकल्टेटिव एनएरोब। फैकल्टेटिव एनएरोब का मतलब क्या है, कभी कभी ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है, नहीं तो ज्यादातर ये कैसे हैं, एरोबिक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से कर सकता है, बडिंग से कर सकता है, और कुछ स्फेरिकल इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसकी बॉडी के अंदर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाएंगे और उसी से न्यू न्यू माइकोप्लाज्मा पैदा हो जाएंगे, ये इस तरह का प्रश्न है, ठीक है। डिस्टिंग फीचर क्या है, अब जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, मैं आपको बता दूं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म करती है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल को अफेक्ट करती है, किसको खत्म करती है, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन इस बैक्टीरिया के पास क्या नहीं है, सेल वॉल ही नहीं है, तो ये बैक्टीरिया किससे नहीं मरेगा, एंटीबायोटिक्स से नहीं मरेगा, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स के ऊपर क्या नहीं है, इफेक्टिव एंटीबायोटिक, इसके ऊपर एंटीबायोटिक क्या नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये खत्म करना और 3 मिनट बच रहे हैं मीटिंग खत्म होने में। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, ये तो टर्म हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है दोबारा से एनारोबिक क्या है, ठीक है, क्लियर है। अब ये फिलामेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि फंगस से मिलेंगे, फंगस इज अ सिंगुलर वर्ड फॉर फंजाई, फंजाई प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना। तो इसके जो कैरेक्टर, ये फिलामेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है जो कि फंगस से मैच करेंगे, इसलिए इनको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, और माइकोस जो वर्ड है इसका मतलब फंजाई होता है, आपको पता होना चाहिए माइकोस मतलब क्या होता है, फंजाई होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको माइकोलॉजी बताया था, माइकोलॉजी क्या होता है, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं, और फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं, फाइकोलॉजी हम बोलते हैं एल्गी की स्टडी को, मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद ये एक फ्राइड एग की कॉलोनी फॉर्म करते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कैसी कॉलोनी फॉर्म करते हैं, और ये पैथोजेनिक भी होते हैं, इंसान के अंदर एक डिसीज को करते हैं, निमोनिया, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ये भी निमोनिया बीमारी फैला सकता है। अब देखो फ्राइड एग कॉलोनी बनाता कैसे, मतलब ये बहुत सारे बैक्टीरिया अरेंज ही इस तरह से होते हैं, पता नहीं दिखने में ऐसा लगता है जैसे कोई एग फ्राई कर दिया हो, आपने कभी प्लेट पर एग देखा होगा फ्राई होता है, बीच में उसका योक होता है और इधर उधर उसका पड़ा होता है ना सिस्टम, मतलब व्हाइट, तो इस तरह से कॉलोनी ये फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं फ्राइड एग कॉलोनी, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे कि फ्राइड एग कॉलोनी कौन फॉर्म करता है, तो माइकोप्लाज्मा फॉर्म करता है। ये था आपके किंगडम मोयरा में, ठीक है, किंगडम मोयरा आपका ओवर हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत है, फ्राइडे कॉलोनी समझ में आ गया, और यहाँ पे जो दिक्कत है वो पूछ सकते हो आप मेरे से, 1 मिनट बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, किंगडम मोयरा खत्म हो गया, फिर मैं कल से आपको वो पढ़ाऊं, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, और मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हम पढ़ेंगे, तो किंगडम प्रोटिस्टा हम पढ़े, चलो छोड़ो कल ही दिखा दूंगा एक्चुअली, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं, और जो पढ़ा सर में आ गया नोट्स में से बना लोगे,
ठीक है ना, इसकी मैंने पीडीएफ भेज रखी है, और आज क्या करेक्शन करना है, कहाँ कहाँ पे आपको एरोबिक करना है वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी लिंक मैं यूट्यूब पे अपलोड करके दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो खत्म करते हैं।